ये बेरोजगारी, भूखमरी, अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी आंदोलन है। साइकिल यात्रा के रूप में इसको आज पहला दिन है जो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि उखाड़ फेंकेंगे 22 में साइकिल सरकार इनके। इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहिए? इस यात्रा से संदेश देते हैं कि जागरूकता आ गई है, अब लहर चल गई है समाजवादी की और जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ वहाँ परिवर्तन लाएगी। ये जो अमीला और बोझी मार्ग पे जो सपा द्वारा हुआ था उससे मुकदमा, फर्जी मुकदमा लादे गए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये फर्जी मुकदमा नहीं है, जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। अगर कोई अपना प्रतिरोध कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन और तत्कालीन विधायक द्वारा जो है जनाक्रोश को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की विशाल साइकिल रैली जो हर प्रदेश विधानसभा के हर गांव से चलकर तहसील मुख्यालय तक आई है, इसका संदेश यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अराजकता फैला रखी है, हर तरफ महंगाई की मार है, चाहे पेट्रोल हो चाहे खाने का तेल हो, सब सौ पार चल रहा है। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि थाने और तहसील में बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है। किसान आज 8 महीने से दिल्ली बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। खाद और यूरिया के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है। ये सबके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा घोषित तहसील मुख्यालय पे चलते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आई। समाजवादी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में तहसील पे ये एक दिन का साइकिल रैली का यात्रा निकाली गई है। आज जन चेतना के लिए निकाली गई है जिससे सारे लोग पीड़ित हैं, नौजवान दुखी है, छात्र दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, अधिकारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, सारे लोग इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं और उनका मन मिजाज बन चुका है कि हम 2022 में समाजवादी सरकार लाएंगे और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। जिंदाबाद। इस यात्रा से जन जन में संदेश जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, इससे लोगों में महसूस हो रहा है। हम अभी फतेहपुर से रैली लेके चले थे, सैकड़ों की संख्या में हम जब नारा लगाते थे तो किसान, मजदूर, नौजवान, बनिया, सारे लोग नारा लगा रहे थे। इससे ये प्रतीत होता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और प्रदेश का विकास होगा।